हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त केके कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक जीनियस। तो दोस्तों, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज मेरे पास एक सेट पड़ा हुआ लुमिनियस का। देखिए, ये मेरा 1550 का है जिसमें आपका पीसीबी जो लगा हुआ है वो एमएच का पीसीबी लगा हुआ है। इस पीसीबी में सारा कंपोनेंट ऊपर की ओर होता है। इको वाट की जगह पे ये दूसरा पीसीबी आता है, सेम रहता है। माइक्रो कंट्रोलर का पूरा फुल डाटा शीट सेम है और इसके ऊपर क्लास भी कराया हूँ एक स्पेशल, ठीक है? तो जो क्लास किए हैं उनको पता होगा और जो क्लास नहीं किए हैं वो क्लास कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, अगर आप क्लास से इंटरेस्टेड हैं, मार्केट में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो आपको माइक्रोटेक लुमिनस का सारा पीसीबी के ऊपर क्लास कराया जाएगा। बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपको समझाया जाएगा, आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी का डायग्राम दिया जाएगा और डायग्राम से ही आप फॉल्ट को आपको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आप क्लास ज्वाइन करिएगा तभी आपको पता चलेगा क्या है नहीं है। और इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस डाल देना है अगर क्लास करनी है तो, ठीक है? तो दोस्तों, इसमें एक ऐसा यूनिक फॉल्ट है जिसको देख करके आपका माथा चकरा जाएगा। मतलब अगर आपके पास जानकारी नहीं रहेगा तो आप ये इन्वर्टर से मात खा जाइएगा। आपको लगेगा कि क्या यार, इस पीसीबी में कुछ है या फिर मेन ट्रांसफार्मर में कुछ है, पीसीबी में दिक्कत है या फिर मेन ट्रांसफार्मर में दिक्कत है, यही कन्फ्यूजन में आप इन्वर्टर को रिपेयर नहीं कर पाइएगा अगर आपके पास ये जानकारी नहीं रहेगा। तो एक ऐसा यूनिक फॉल्ट है इसमें, तो वो फॉल्ट क्या है सारा चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है? वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। और एक और ऐसा यूनिक फॉल्ट बताया जाएगा इस वीडियो में, आपको दो फॉल्ट दिया जाएगा, एक के साथ एक फ्री। एक फॉल्ट मैं दूंगा और एक फॉल्ट मेरा स्टूडेंट देंगे। मेरा स्टूडेंट एक फॉल्ट को क्रिएट किए हैं, एक ऐसा फॉल्ट जो आपका दिमाग को घुमा सकता है, वैसे फॉल्ट को मेरे स्टूडेंट क्रिएट किए हैं और वो वीडियो डाले हैं। वो मेरे क्लास का स्टूडेंट वो फॉल्ट को कैसे समझें, सावधानियां बरतते हुए अपना काम किए और फॉल्ट को कैसे क्रिएट किया, वो सारा डिटेल वो खुद ही देंगे। वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले मैं इस पीसीबी को क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा स्टूडेंट वो फॉल्ट को कैसे क्रिएट किए हैं और क्या फॉल्ट था, क्या यूनिक फॉल्ट था, ठीक है? तो दोस्तों, सामने देख सकते हैं ये मेरा यूपीएस मोड पे चल रहा है। देखिए, स्विच आसानी से ऑन ऑफ काम कर रहा है, इको पे चल रहा है, आउटपुट दे रहा है यहाँ पे 219 वोल्ट जो भी देता है ना। अब ये बहुत ही अच्छे ढंग से भी चल रहा है, लेकिन इसमें एक फॉल्ट क्या है, बैटरी लो का। देखिएगा, मैं एक यहाँ पे एक जैक लगाऊंगा, जैक को लगाते ही यहाँ पे बैटरी लो का सिग्नल दे देता है। मेरा दिमाग घुमा दिया तो आपका भी दिमाग घुमा सकता है। एक क्षण के लिए मैं भी डाइवर्ट हो गया कि मेन ट्रांसफार्मर में शॉर्टिंग है या फिर पीसीबी में शॉर्टिंग है। अब इस फॉल्ट को क्रिएट करने के लिए मैं इस इन्वर्टर में दूसरे पीसीबी को इंस्टॉल किया। इस इन्वर्टर में जब हमको पता चला, जब मैं अपना रिसर्च किया पीसीबी के ऊपर, अपना दिमाग लगाया, तो पीसीबी में कोई दिक्कत नहीं था। तो मैं सोचा भाई पीसीबी में नहीं दिक्कत है तो मेन ट्रांसफार्मर में भी, तो मेन ट्रांसफार्मर में दिक्कत होगा, लेकिन मेन ट्रांसफार्मर पे भी मेरे हिसाब से मेरे दिमाग से सही लग रहा था। इसीलिए मैं इस इन्वर्टर पे दूसरा पीसीबी, सेम पीसीबी लगाया और देखा सेम प्रॉब्लम है। तो मेरा डॉट चल गया कि मेन ट्रांसफार्मर खराब है। लेकिन इसका क्वाइल देखने के बाद, कंटिन्यूटी चेक करने के बाद, इसका टेस्टिंग करने के बाद मेन ट्रांसफार्मर सही बता रहा था, तो आखिर बैटरी लो क्यों आ रहा था? अब देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा सामने स्क्रीन पर बैटरी लो का इंडिकेट करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जैक रहता है सिलेक्शन का, पीछे एक स्विच रहता है इको और यूपीएस, इको और यूपीएस मोड पे करने के लिए पीछे एक स्विच रहता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन रहता है, ये स्विच इधर कर दीजिएगा तो यूपीएस में चल जाएगा, उधर कर दीजिएगा तो इको में चल जाएगा। और एक और यहाँ पे छोटा सा स्विच रहता है, ट्यूबलर हैट फ्लैट, ऐसा जो बैटरी का मोड रहता है, जैसे आपका बैटरी छोटा है, बड़ा है, खड़ा में है या फिर पट में है, उसको सिलेक्शन करने के लिए देता है यहाँ पे एक कनेक्टर, ठीक है? तो ये मेरा सिलेक्शन के लिए स्विच का जैक बना हुआ है। तो अगर मैं ये जैक को यहाँ पे लगाता हूँ तो देखिएगा सामने बैटरी लो का प्रॉब्लम आता है। अब देखिएगा इसका फंदा, इसका फॉल्ट, देखिए इस जैक को मैं लगाऊंगा और सामने ये देखिए है ना, लगाता हूँ बैटरी लो, देखिए आ गया बैटरी लो, ये बैटरी लो पे चला गया सेट, ठीक है? देखिए आउटपुट बंद कर दिया, बजर का सायरन दे दिया और ये बैटरी लो प्रोटेक्शन में चला गया। अब इसको मैं हटा देता हूँ और फिर इसको ऑन ऑफ करता हूँ तो मेरा सेट ओके चलने लगता है। लेकिन
जब कस्टमर लाया था मेरे पास तो ये जैक तो लगा ही रहेगा, कोई भी स्वाभाविक है, अभी टेक्नीशियन है तो आप भी इसको लगा दीजिएगा। और देखिएगा यहाँ पे चेक करके तो बैटरी लो का आ रहा है प्रॉब्लम भाई, आखिर क्यों आ रहा है? मेरा ट्रांसफार्मर सही है, सर्किट पूरा मैं नया डाल दिया, फिर भी मेरा बैटरी लो क्यों नहीं हट रहा है? तो आपका ध्यान तो जाएगा वो थिम्बल की ओर जाएगा कि मेरा बैटरी का नेगेटिव या पॉजिटिव का थिम्बल तो खराब नहीं है। देखिए थिम्बल में भी मेरा ध्यान गया था और थिम्बल के चक्कर में यहाँ पे देखिए हमको थोड़ा डाउट लग रहा था, यहाँ पे नया थिम्बल भी लगा दिया डाउट के कारण से, तो थिम्बल भी हमने नया डाल दिया। इसका मैं टेस्टिंग किया, नेगेटिव पॉजिटिव का जो इनपुट कोड है इसको मैं चेक किया, इनपुट तार को वो भी चेक करने के बाद सही मिल रहा था, मेरा भी दिमाग घूम गया था। लेकिन सफलता जो मिला वो ये जैक में मिला, जैक में प्रॉब्लम था। तो ये जैक लगाने के बाद प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? अब ये जैक लगाने के बाद प्रॉब्लम आ रही है तो या फिर इसको खोलने के बाद पता चलेगा अंदर में मॉइस्चराइजर लग गया होगा, गंदगी बैठ गई होगी स्विच में, या तो फिर आपस में ये तार शॉर्टिंग हो गया होगा। तो इसको आप पेट्रोल से धोल के सफ़ा करके ब्लोअर्स चला करके इसको सफ़ा कर दीजिएगा तो आपका फॉल्ट ठीक हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको मैं साफ़ करके मैं लगा दूंगा, बाद में फॉल्ट सही हो जाएगा। जो फॉल्ट था वो इससे फॉल्ट था, अंदर में मॉइस्चराइजर होगा या फिर स्विच में प्रॉब्लम होगी, स्विच को जो शॉर्ट करना चाहिए 2 पॉइंट वो 4 पॉइंट को शॉर्ट कर देता होगा, 3 पॉइंट को शॉर्ट कर देता होगा। कुल मिला के ये स्विच में प्रॉब्लम है, ये सिलेक्शन में प्रॉब्लम है। तो इसको मैं नहीं भी लगाऊंगा तो मेरा चलेगा सेट, इको मोड पे चलेगा और ट्यूबलर फ्लैट वगैरह कुछ नहीं देखा जाता है, सब वो ऑटोमेटिक ठीक चलता है, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा स्टूडेंट एक फॉल्ट कैसे क्रिएट किए हैं, आपको वीडियो लास्ट तक देखिए, उनका वीडियो प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, देखिए। वीडियो मेरे सभी भाइयों के लिए है, ये 24/7 का पीसीबी है, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर का मेरा ये माइक्रो खराब हो गया था, ये देखिए मैंने माइक्रो निकाला हुआ है और माइक्रो के साथ साथ LM317 और A2K का प्रीसेट, ये पहले मैंने चेंज किया, और ये जिनर और ये डायोड भी चेंज किया था मैंने D1 का। और चेंज करने के बाद मैं सब कुछ चेंज किया, पीसीबी मेरा ओके हो गया, लगाता था तो लगाने पे मेरा जैसे ये वाला स्विच ऑन करूँ तो मेन से हट जा रहा था, और स्विच ऑफ करने पर मेंस ले रहा था। तो इसका दिक्कत देख के सर की PDF देख के मैंने ये प्रीसेट, ये तीनों रेजिस्टेंस, ये जिनर, ये रेजिस्टेंस और ये वाली फिल्टर भी चेंज की, फिर भी मेरे वही दिक्कत थी। लेकिन इसके अंदर जब मैंने दूसरा तीसरा वाला माइक्रो लगाने का सोचा और जब मैंने इसको निकाला तब मेरी सब कुछ हटने के बाद से फिर पिन नंबर 1 पे जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो तो पहले मैं नीचे चेक कर रहा था पीसीबी को पिछली वाली साइड पे, तो पिछली वाली साइड से जैसे ही ऐसे पलट कर चेक करता मैं पलट कर पीछे से, तो पीछे से मेरा यहाँ पे 2.5 वोल्ट करेक्ट दिखा रहा था। लेकिन जब मैंने बाद में माइक्रो के पिन नंबर 1 पे मेंस देने पर चेक किया तो यहाँ पे मेरा ऊपर से 2.5 वोल्ट आ ही नहीं रहा था, जबकि पिन नंबर 18 पे 2.5 वोल्ट सेट हो रहा था लेकिन 1 पे नहीं आ रहा था। तब मैंने ये देखे यहाँ पे डायरेक्ट शोल्डर कर दिया है पिन नंबर 1 को पीछे PCB की, तब जाकर मेरा एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। थैंक यू। तो दोस्तों आपने बहुत ही क्लियरिटी के साथ जहां तक उनसे हो सका जितना बन सका आपको समझाने का प्रयास किए कि वो फॉल्ट को कैसे क्रिएट किए। तो दोस्तों इस फॉल्ट को देखते हुए मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूं कि अगर आपसे भी कोई ऐसा फॉल्ट नहीं ठीक हो रहा है तो उस फॉल्ट को आप छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत तो टहलिए घूमिए, उसके बाद फिर से वो फॉल्ट के ऊपर लगिए और उसके ऊपर दिमाग इधर उधर मत घुमाइए, मत सोचिए कि ये फॉल्ट क्यों बन रहा है, इतना बड़ा फॉल्ट क्यों है। इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है, इतना छोटा फॉल्ट है ये सोचिए आप, और इतना छोटा फॉल्ट है और आप छोटा सोचिए आपका फॉल्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आप अपना दिमाग एकत्रित करके सोचेंगे कि ये क्यों नहीं आ सकता है, ये क्यों नहीं आएगा फॉल्ट, कहां कहां से क्यों दिक्कत हो सकता है, अगर आप छोटा सोचना चालू कर देंगे तो आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।